उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन मसूरी में जिलाधिकारी के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए मसूरी केंद्रीय विद्यालय को खोला गया, जहां बच्चे जान को जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रशासन की इस लापरवाही से बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं प्रिंसिपल से स्कूल खोलने पर सवालिया किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूल बंद रखने का फरमान रात को मिला और उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वे बच्चों को स्कूल बंद रहने की सूचना दे पाते। बता दें कि मसूरी में कई और स्कूल हैं जहां प्रशासन की तरफ से बच्चों को छुट्टी की सूचना दी गई थी, पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल की मनमानी के चलते बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। मामला आया है, मैंने एसडीएम को यहां से निश्चित किया है, एसडीएम ने अपने तहसीलदार को वहां पर भेज दिया है, उस स्कूल को बंद कराया जाएगा। अगर उन्होंने सरकार के आदेश को नहीं माना है, डीएम के आदेश को नहीं माना है, तो उनकी जिम्मेदारी भी जो है फिक्स की जाएगी। नहीं, कोई पूरा स्कूल लगा हुआ है, जिस क्लास में जितने बच्चे आए हुए हैं उनको हमें घेरा हुआ है। क्लासेस ले रहे हैं आप? नहीं, तो जब बच्चे स्कूल में आ गए तो क्या करेंगे? बच्चे मौसम इसमें बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चे स्कूल में आए हुए हैं तो बच्चों ऐसे छोड़कर रखेंगे क्या? टीचर तो क्लासेस लेंगे। हमने आपसे जानकारी ली कि स्कूल बंद है, आपने कहा कि स्कूल बंद है, ऑफिशियली स्कूल बंद है, लेकिन जो बच्चे स्कूल में आए हुए हैं उनकी हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल में उनको रोका हुआ है, और जो बच्चे स्कूल में रुके हुए हैं, सब टीचर स्कूल में आए हुए हैं, उनकी क्लासेस चल रही है।